इसके लिए जो बेसिक मटेरियल चाहिए वो है क्राफ्ट पेपर। यह मैंने 3 सेट के क्राफ्ट पेपर लिए हैं, एक है ग्रीन कलर, वाइट कलर और ऑरेंज कलर, और एक छोटा सा वाइट कलर का पेपर लिया है। ये ग्लू और ये दो कलर पेंसिल मैंने लिए हैं, डार्क ग्रीन और ब्लू कलर के, और एक सीजर, एक राउंडर और ये ब्लैक मार्कर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, टर्टल का जो बीच ऊपर का हिस्सा है वो बनाएंगे। उसके लिए हम स्क्रीन पेपर के ऊपर एक सर्कल बनाएंगे। तो ये हमने राउंडर से एक सर्कल बना लिया। इसके बाद इसको हम कट करके निकाल देंगे। काटते वक्त ध्यान से कट करना। इसके बाद इसको हम हाफ फोल्ड कर देंगे लाइक दिस। फिर से हम इसके ऊपर कुछ इस तरह एक मार्क कर देते हैं। यहां से भी हम इसको कट करेंगे। अब क्या करना है, एक के ऊपर फिर से एक मार्क करना है। जैसे जैसे मैं दिखाता हूं ठीक वैसे ऐसे करना। इसको हम ऐसे जो लाइन तक कैंची से काटेंगे, रेजर से काट देंगे लाइक दिस। इसके बाद हर हिस्से को हम बैक की तरफ फोल्ड कर देंगे ऐसे। ये हो गया। इसको अच्छी तरह से प्रेस कर देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। इसके ऊपर हम इसको ऐसे पेस्ट करेंगे। तो हम ग्लू लेते हैं, इसके ऊपर ऐसे हम ग्लू लगा दिए और इस वाले के ऊपर हम इसके ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे। एक बैक साइड पेपर जो है, बैक में लगा है जो पेपर, उससे जो एक्स्ट्रा पेपर बाहर निकले हैं उसको भी हम कट कर देंगे। अब ये तैयार हो गया। टर्टल का जो पीठ का हिस्सा है ये रेडी हो गया। अब हम के पीठ के ऊपर जो टेक्सचर होता है उसको हम ब्लैक मार्कर से करेंगे। पहले मैं दिखा देता हूँ कैसे होगा वो हो।
ऐसे पहला ये एक बनाना है, उसके बाद नीचे और चार बनाने हैं, 1, 2, 3 and 4। इसके बाद इसके बैक साइड भी बनाना है ऐसे, 1 और उसके नीचे 4, 1, 2, 3 and 4। ये हो गया। उसके बाद ब्लैक मार्कर से ये जो छोटे छोटे सर्कल हमने बनाए उसके जो गैप है उसको हम ब्लैक कलर से कलर कर देंगे ऐसे। इसी तरह दोनों साइड भी करना है, इस तरह भी कर देते हैं हम। ये पीठ कैसे कंप्लीट हो गया? अब एक छोटा सा जो व्हाइट कलर पेपर लिए थे उस ऐसे बीच से हाफ फोल्ड कर देंगे। उसके बाद इसको ऐसे रखो और इसे यहां से कट करो। इसको हम इस पीठ के ऊपर ऐसे पेस्ट कर देंगे ग्लू से। इसको इसे इसके पीठ के ऊपर ऐसे हम पेस्ट कर देंगे। और फिर से हम एक ग्रीन कलर के पेपर लेंगे, क्राफ्ट पेपर, उसके ऊपर भी ऐसे एक सर्कल बनाएंगे और उसको कट करके निकालेंगे। इससे हम कछुए के जो पैर होते हैं वो पैर बनाएंगे। कितने आसानी से बनाता हूँ आप देखो। इसको ऐसे हाफ फोल्ड कर देंगे और फिर से इसको हाफ फोल्ड कर देंगे। ध्यान से देखना ऐसे फोल्ड कर दिया। मैं और एक बार दिखाता हूं, देखो ये हो गया हाफ फोल्ड, उसके बाद ये हो गया हाफ फोल्ड। अब इसके ऊपर टर्टल के जो पैर हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो कैसे ड्रॉ करते हैं हम। इसको हम कट करके निकाल देते हैं। ये हो गए 4 पैर टर्टल के। और इसके ऊपर टर्टल के पैर के ऊपर जो टेक्सचर होते हैं स्पॉट स्पॉट जैसा, वही हम उसको ऊपर ड्रॉ कर देते हैं। ये कंप्लीट हो गया टर्टल के 4 पैर। अब इसके ऊपर क्या करेंगे हम, कुछ शेडिंग देंगे ग्रीन कलर से ताकि वो थोड़ा सा रियलिस्टिक लुक दिखे उसमें। चारों को ऐसे ही हम शेडिंग कर देंगे और एक ग्रीन कलर पेपर भी लेंगे। इससे हम
टर्टल के हेड बनाएंगे। इस पेपर को भी हम हाफ फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर टर्टल के जो हेड हैं उसको ड्रॉ करेंगे। टर्टल का जो पीठ हमने बनाया, जैसे जैसे बना वो जो प्रोसीजर था, ये हेड वाला पोर्शन भी ठीक उसी तरह का बनेगा। तो ध्यान से देखो, यहां से हमने उसे कट कर दिया। यहां थोड़ा लाइन से थोड़ा छोड़ के हम काटेंगे, यहीं से ये कट गया, ये दो हिस्से हो गए। इसी को भी हम ऐसे कट करेंगे लाइक दिस। ध्यान से देखो, ये हो गया। और इसको हम बैक साइड में फोल्ड कर देंगे, जैसे टर्टल के पीठ को किए थे ठीक उसी तरह करना है ऐसे। और इसको थोड़ा प्रेस भी कर देते हैं ताकि वो अच्छी तरह से फोल्ड हो जाए। और ग्लू लगा के इन दोनों को हम पेस्ट कर देंगे इसके ऊपर, इसको ऐसे पेस्ट कर देंगे हम। ये हो गया। और जो एक्स्ट्रा पेपर बाहर निकले हैं इसको हम भी कट करके निकाल देंगे। ये हो गया। अब टर्टल के ऊपर जो हेड है इसके ऊपर हम उसके जो आईज बनाएंगे, नोज, और उसके जो मुंह बनाएंगे, और हेड के ऊपर जो भी टेक्सचर है उसको भी बनाएंगे। जैसे जैसे बनाता हूँ वैसे वैसे अब करना, ध्यान से करना। ये टर्टल के ऊपर जो टेक्सचर होते हैं, जो धब्बे होते हैं, ये हमने बनाए ब्लैक मार्कर से। ये हो गया। दोनों तरफ ऐसे करना है। ये हो जाने के बाद इसको भी हम ग्रीन कलर से थोड़ा शेडिंग कर देंगे ताकि वो थोड़ा सा 3D लुक आए, ठीक जैसे पैरों को हमने किए थे इसको भी ऐसे कर देंगे। ये हो गया, हेड हमारा हो गया रेडी। इसको थोड़ा यहीं से हम कट कर देते हैं। करेंगे सबको हम पेस्ट करेंगे, हेड, लेग और उसका पीठ सबको हम स्टेप बाय स्टेप पेस्ट करेंगे। आज इट इज मैं जैसे कर रहा हूँ ठीक उसी तरह करना। ये हेड हमारा हो गया, उसको पेस्ट कर देते हैं। ये पैर को भी ये चारों पैर को हमने अभी पेस्ट कर दिया। ये हमारा कछुआ कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम अभी एक हम पेपर लेते हैं, व्हाइट कलर का जो पेपर है इसको हम बेस करेंगे जिसके ऊपर कछुआ खड़ा होगा। अच्छी तरह से फोल्ड कर देते हैं। अब क्या करना है, अब एक व्हाइट कलर का छोटा सा स्ट्रिप लेना है, उसको भी सेंटर से हम फोल्ड करके बीच में ऐसे लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर हम ग्लू लगा देते हैं।
फोल्ड कर दिया और ये इसको थोड़ा अच्छी तरह से हम चिपका देते हैं। और यहाँ हम ग्लू लगा के टर्टल को इसके ऊपर भी पेस्ट कर देंगे, ग्लू से लगा लेंगे इसको। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका जो होता है ना ग्रास होता है ना पानी में जो ग्रास होता है, वैसे हम बना के टर्टल के दो साइड जो पेपर दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, उसके ऊपर हमें उसको पेस्ट कर देना है, दोनों तरफ कर देना है। अब हमारा रेडी हो गया ये पॉपअप टर्टल। इसको आप घर में बना के दोस्तों को गिफ्ट कर सकते हैं, बर्थडे गिफ्ट दे सकते हैं, फ्रेंडशिप पे भी दे सकते हैं।